जय महाकाली आयो गोरखाली। दोस्तों, ये नारा है भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बहादुर गोरखा रेजिमेंट का, और ये कहानी है भारत देश के जांबाज जवान मेजर जनरल इयान कॉर्डोजो की, जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में अपने हाथों से अपना जख्मी पैर काट दिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज डायरी के इस वीडियो में। हम जानेंगे मेजर जनरल इयान कॉर्डोजो की शौर्य गाथा के बारे में। यह साल था 1971 का। भारत और पाकिस्तान के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। उस वक्त इयान 5th गोरखा राइफल्स की 4th बटालियन में थे। पाकिस्तान के साथ हो रहे इस युद्ध में सबसे पहले भेजी गई सेना की टुकड़ियों में से एक गोरखा रेजिमेंट की थी। मेजर जनरल इयान कॉर्डोजो की गोरखा राइफल्स सिलहट में युद्ध लड़ रही थी, जो पूर्वी पाकिस्तान में था, जबकि कॉर्डोजो डिफेंस सर्विस कॉलेज वेलिंगटन में ट्रेनिंग ले रहे थे। युद्ध के दौरान जब पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए उनके एक अफसर शहीद हो गए, तब उनकी जगह लेने के लिए इयान कॉर्डोजो को जंग में भेजा गया। कॉर्डोजो, जिन्हें उनके गोरखा साथियों कारतूस साहब कहा करते थे, क्योंकि उन्हें उनके नाम का उच्चारण करना मुश्किल लगता था। मेजर जनरल इयान कॉर्डोजो ने भारतीय सेना के पहले हेलीबॉर्न ऑपरेशन में भी भाग लिया था। दोस्तों, सिलहट की जंग में मेजर इयान और उनकी टीम को भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। सामने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सेना थी और वहीं भारत के पास एक छोटी सी बटालियन थी। वह लगातार पाकिस्तानी सेना से लड़ते रहे। खाना और गोला बारूद खत्म हो रहा था, मगर फिर भी वह डटे रहे और रीइन्फोर्समेंट का इंतज़ार करते रहे। उन्हें बताया गया था कि 48 घंटे में बड़ी पलटन आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 10 दिन तक लड़ाई चलती रही। मेजर इयान की बटालियन के पास अब सामान खत्म हो रहा था। इसी बीच पाकिस्तान और भारत की फौज बीबीसी रेडियो पर एक खबर सुनती है, और खबर यह थी कि सिलहट में गोरखा की पूरी ब्रिगेड पहुंच चुकी है। मेजर इयान ने अपने साथियों से कहा कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि सिलहट में हमारी पूरी ब्रिगेड है, तो अब हम एक बटालियन नहीं लेकिन एक ब्रिगेड की तरह ही काम करेंगे। और फिर उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और सिलहट पर कब्जा भी कर लिया। जब 1000 जितने पाकिस्तानी सैनिक सफ़ेद झंडा लेकर आत्मसमर्पण करने आए, तब भारत के पास उस पोस्ट पर सिर्फ 532 जवान थे, और पाकिस्तान के 3 ब्रिगेडियर, 2 कर्नल, 173 अफसर, 290 जेसीओ और लगभग 8000 जवानों ने भारत की आधी बटालियन के सामने सरेंडर कर दिया। विजेता गोरखा बटालियन अब शहर की ओर आ रही थी, तभी मेजर इयान का पैर बारूदी सुरंग पर पड़ा। एक जोरदार धमाका हुआ और इयान बहुत दूर जाकर गिर गए। उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था और उनका एक पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी था। इसके बाद तुरंत ही सेना इयान को अपने कैंप तक लेकर गई, लेकिन कैंप में उनका उपचार करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं था। भारतीय सेना की ओर से मदद आने में अभी वक्त था। हर किसी को डर था कि कहीं इयान की मृत्यु ना हो जाए। हालांकि इयान होश में आए, लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर थी। होश में आने के बाद मेजर इयान ने अपने सीओ से कहा कि सर, युद्ध खत्म हो चुका है, आप मुझे किसी हेलीकॉप्टर से अस्पताल भेज सकते हैं। लेकिन सीओ साहब ने कहा कि अभी कोई हेलीकॉप्टर अवेलेबल नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेजर इयान ने देखा कि अब उनका जख्म सड़ने लगा है। पैर देखकर मेजर साहब समझ चुके थे कि अब पैर नहीं बच सकता। तभी वहाँ मौजूद डॉक्टर को मेजर ने कहा कि डॉक्टर, मेरा पैर काट दीजिए। लेकिन डॉक्टर ने कहा, वह अभी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर मेडिकल उपकरण नहीं है। तभी मेजर इयान ने अपने साथी से पूछा कि मेरी खुकरी कहाँ है। उनका साथी खुकरी लेकर आया। मेजर ने कहा, मेरा पैर काट दे। यह सुनकर उनका साथी घबरा गया और कहा कि साहब, मैं नहीं कर सकता, डॉक्टर साहब को आ जाने दीजिए। तभी मेजर इयान ने कहा, तुम मुझे खुकरी दो। मेजर इयान ने खुकरी ली और खुद ही अपना पैर काट दिया। अपना कटा हुआ पैर उन्होंने अपने साथी को दिया और कहा कि इसे बाहर जाकर गाड़ दो। दोस्तों, अब मेजर को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उनके पास न तो मॉर्फिन था न ही पेन किलर। मेजर इयान कॉर्डोजो का ऑपरेशन करना अब बेहद ज़रूरी था। इतना दर्द सह रहे मेजर ने उस वक्त भी अपने कमांडिंग अफसर के सामने कुछ अजीब शर्तें रखी। दोस्तों, बात यूँ थी कि सिलहट इलाके में पाकिस्तान का मिलिट्री अस्पताल था, लेकिन मेजर ने कहा कि मुझे कोई पाकिस्तानी हाथ नहीं लगा सकता, आप मुझे यहाँ से भेज दीजिए। तभी सीओ साहब ने कहा कि मेजर, तुम मेरे लिए मुश्किल खड़ी मत करो, गैंग्रीन हो गया तो जान जा सकती है। फिर मेजर इयान ने कहा कि सर, मेरी दो बातें आपको माननी होगी। पहली ये कि मैं किसी पाकिस्तानी का खून नहीं लूँगा, और दूसरा, जब मेरा ऑपरेशन चल रहा हो तब आप मेरे पास रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि
कि वो लोग मेरा दूसरा पैर भी काट दें। आखिरकार सिलहट के अस्पताल में मेजर इयान का ऑपरेशन पूरा हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद मेजर इयान को पुणे के आर्मी अस्पताल भेजा गया, जहां उन्हें नकली पैर लगाया गया। दोस्तों, नकली पैर लगाने के बाद मेजर इयान 7 साल तक सिस्टम से लड़ते रहे। उन्होंने बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दिया, सारे फिजिकल टेस्ट दिए, पहाड़ियों पर चढ़ाई की और यह साबित करने की कोशिश की कि वह भी दूसरों की तरह फिट है। उस वक्त आर्मी चीफ थे तपेश्वर नारायण रैना साहब। उन्होंने मेजर इयान को लद्दाख बुलाया, जहां मेजर इयान की फिटनेस देखने के बाद उन्होंने मेजर इयान को एक बटालियन दे दी। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की हर परीक्षा में पास होने के बाद इयान कार्डोजो को न सिर्फ एक बटालियन बल्कि एक ब्रिगेड की कमान सौंप दी गई और वह एक जनरल अफसर के रूप में रिटायर्ड हुए। दोस्तों, मेजर जनरल इयान कार्डोजो को अपनी बहादुरी के लिए अति विशिष्ट सेना मेडल से सम्मानित किया गया। इयान कार्डोजो का जन्म 1937 में बॉम्बे में हुआ था। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से शिक्षा प्राप्त की। कार्डोजो ने नेशनल डिफेंस एकेडमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर भारतीय सैन्य अकादमी में भाग लिया, जहां वे 5th गोरखा राइफल्स में शामिल हुए और उन्हें कमीशन दिया गया। उन्होंने 1965 और 1971 की जंग में हिस्सा लिया। दोस्तों, अपनी बहादुरी के दम पर मेजर जनरल इयान कार्डोजो एक बटालियन और एक ब्रिगेड की कमान संभालने वाले भारतीय सेना के पहले युद्ध विकलांग अधिकारी बने। दोस्तों, मेजर जनरल इयान कार्डोजो की शौर्य गाथा काफ़ी प्रेरणादायक है। देश के लिए खुद को इस तरह से समर्पित करने के लिए बहुत हिम्मत और शौर्य की ज़रूरत होती है, और मेजर जनरल इयान कार्डोजो ने यह साहस दिखाया। मेजर जनरल इयान कार्डोजो की वीरता को प्रणाम। जय हिंद।